हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जूहीज ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूँ जूही। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपना उलन क्लोथ धोती हूँ, वो भी घर पे, और कैसे मैं उसको सुखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हल्का सा गुनगुना पानी ले लेंगे, गर्म गुनगुना पानी। और हमेशा कोई माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ कीजिए, और चाहे तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डव शैम्पू यूज़ किया अपने ऊनी कपड़ों को धोने के लिए। ऊनी कपड़े हमेशा हाथों से ही धोना चाहिए, कभी आप उसको मशीन पे मत दीजिए, वॉशिंग मशीन में। इससे आपका कपड़ा खराब हो सकता है। अब ठीक से मिक्स कर लीजिए पानी और शैम्पू को, और देखिए अब झाग निकल आया है पानी से। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ये सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए ये बेल आइकन को, और ये बिल्कुल फ्री है। और ये मेरा जो स्वेटर है, तो मैं उसको धीरे से उसमें डिप कर दूंगी। ऐसे ही हम लोग इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा विनेगर यूज कर रही हूँ, इससे आपके कपड़े के जो रंग होते हैं वो सही रहेंगे। और फ्रेंड्स, ऊनी कपड़े धोते समय हमेशा याद रखिए कि कभी ब्रश का यूज मत कीजिए। और हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जितना टाइम आपके कपड़े से झाग निकलता रहेगा, आप उसको ठीक से धो लीजिएगा, क्योंकि ये जो झाग होती है तो ये हम लोग की स्किन के लिए अच्छी नहीं होगी अगर हम लोग इसको ठीक से नहीं धोएंगे। देखिए अब धीरे धीरे जो पानी है वो साफ दिख रहा है। अब हाथों से धीरे धीरे उसको पानी में उसको ठीक से निचोड़ लीजिए। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप जल्दी ही अपना जो ऊनी कपड़े हैं वो सुखा सकते हैं। बारिश हो या धूप ना निकले कोई बात नहीं, आपके जो ऊनी कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। पहले आप एक फ्लैट जगह पे आप अपने स्वेटर को ठीक से रख दीजिए, उसके नीचे एक टॉवल रख दीजिएगा। अब धीरे धीरे आप टॉवल को रोल करते रहिए, इसके साथ आपका स्वेटर भी है वो भी रोल होता रहेगा टॉवल में। और इससे क्या होगा, आपके स्वेटर में जितने सारे वाटर है, जितने सारे पानी है, वो धीरे धीरे इस टॉवल पे एब्जॉर्ब होते रहेंगे। और थोड़ा जोर से उसको प्रेस कीजिएगा, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। इस चावल के अंदर आपका स्वेटर है और इससे सारा पानी अभी चावल से आ रहा है।
ये करने से आपका जो स्वेटर है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। इसको ठीक से दबाइए, प्रेस कीजिए जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो पानी है वो बाहर आ गया है। और मैं फील कर रही हूँ कि जो टॉवल है ये लगभग अभी भीग गया है। अब उसको फिर से धीरे धीरे से उसको खोल लीजिए। ये देखिए आपका जो स्वेटर है वो एकदम सही अपनी जगह पे है। देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, मैं अपने हाथों पे मैं दिखा रही हूँ। देखिए देखिए, ये निचोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ, एक ड्रॉप भी पानी नहीं निकला, ये पूरा पानी सूख गया है। तभी बारी है उसको थोड़ा धूप में सुखाने की। और फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई स्वेटर सुखाएंगे तो आप उसको अपने हैंगर में या क्लिप से आप रस्सी पे उसको मत सुखाइए, क्योंकि रस्सी पे अगर आप सुखाएंगे तो इससे आपका जो स्वेटर का जो शेप है वो खराब हो सकता है। तो जब भी आप स्वेटर को सुखाएंगे तो किसी फ्लैट सरफेस पे उसको उससे लेटा के उसको सुखा सकते हैं। तो मैंने अभी दो चेयर का यूज किया है और इसके नीचे मैंने एक टॉवल रख दी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक और बेल बटन तो जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।